हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा के बीच में कुछ दिनों से एक खबर वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक हार्दिक पांड्या नताशा को तलाक देने वाले हैं और साथ ही खबर में यह बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को अपनी प्रॉपर्टी का 70% नताशा के नाम करना होगा। तो इस वीडियो में हम इस खबर की पूरी पुष्टि करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुरुआत में हार्दिक पांड्या और नताशा एक पार्टी में मिले और पार्टी में मिलने के बाद में इन दोनों के बीच में मुलाकातें और बढ़ने लगी। नताशा हार्दिक पांड्या के साथ में रिलेशन में थी तब भी नताशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद में हार्दिक पांड्या ने 2020 में नताशा के साथ शादी की और 2020 में ही हार्दिक पांड्या को बेटा हुआ। हार्दिक पांड्या के बेटे का नाम अगस्त्य है। 2020 में हार्दिक पांड्या की शादी कोरोना काल में हुई, तो हार्दिक पांड्या ने 2023 में एक बार फिर से धूमधाम से हिंदी रिवाज से शादी रचाई, लेकिन अब इनकी ये शादी टूटती हुई नजर आ रही है। हाल ही में नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हार्दिक पांड्या के सरनेम हटा दिए हैं। साथ ही नताशा आईपीएल के किसी भी मैच में हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में नहीं पहुंची। साथ ही हार्दिक पांड्या की ओर से बात करूं तो हार्दिक पांड्या ने भी इस बार नताशा को 4 मार्च को विश नहीं किया। 4 मार्च को नताशा का जन्मदिन आता है, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या ने नताशा को लेकर सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं की। तो इन दोनों के बीच में काफी मनमुटाव चल रहा है और इसी को देखते हुए यह खबर सामने आई है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में तलाक होने वाला है। इनके बीच में इस मनमुटाव की असली वजह सामने निकल के नहीं आई है। इसके साथ ही यह भी खबर सामने निकल के आ रही है कि नताशा ने हार्दिक पांड्या की प्रॉपर्टी का 70% मांगा है। क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। इससे पहले भी शिखर धवन के साथ ऐसा हो चुका है। शिखर धवन जिन्होंने 2013 में शादी की थी, लेकिन इनका रिश्ता भी कुछ दिनों तक चला और अब शिखर धवन और उनकी वाइफ का तलाक हो चुका है। साथ ही शिखर धवन तलाक के बाद में अपनी वाइफ को मंथली 70,000 रूपए देते हैं। इससे पहले भी पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक के बीच में भी ऐसी खबरें देखने को मिली थी, जहाँ पर पार्थिव पटेल ने दिनेश कार्तिक की वाइफ के साथ शादी रचा दी और यह खबर भी काफी दिनों तक सुर्खियों में रही। तो अब शादी के बाद में खिलाड़ियों के बीच में तलाक होना एक आम बात रह गई है और साथ ही किसी भी लड़की पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।